दोस्तों, फाइनली भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले वनडे सीरीज के खत्म होने के बाद बीसीसीआई की तरफ से टीम इंडिया के टी20 सीरीज के लिए पूरा स्क्वाड घोषित कर दिया गया है, जहां पर बीसीसीआई ने भारतीय टीम का 16 सदस्यीय स्क्वाड घोषित कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का कन्फर्म स्क्वाड बताने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल बताएंगे और साथ ही साथ टी20 सीरीज के लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ऑल ओवर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के ठीक नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में उस बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस सीरीज के सभी मैचों का 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो टोनी भाई के साथ कांटेक्ट जरूर करें। उनका सभी डिटेल्स वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टीम इंडिया के पूरे स्क्वाड और इसके साथ ही टी20 सीरीज के पूरे शेड्यूल के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय टीम के पूरे स्क्वाड के बारे में, जो कि बीसीसीआई के द्वारा घोषित किया गया है। तो भारतीय टीम के स्क्वाड में रहने वाले हैं कैप्टन विराट कोहली, उसके बाद शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, उसके बाद श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, उसके बाद संजू सैमसन, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, उसके बाद यजुवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उसके बाद नवदीप सैनी, दीपक चहर और साथ ही साथ टी नटराजन को टीम इंडिया के टी20 स्क्वाड में इंक्लूड किया गया है। तो भारतीय टीम का टी20 में यही 16 सदस्यीय स्क्वाड रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं टी20 सीरीज के शेड्यूल के बारे में। तो भारतीय टीम टी20 सीरीज का पहला महामुकाबला 4 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने वाली है और यह मैच कैनबरा के स्टेडियम से लाइव दिखाया जाएगा। इस मैच के टाइमिंग के बारे में बात करें तो यह मैच दोपहर 1:40 से स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद दूसरे टी20 मैच के बारे में बात करें तो दूसरा टी20 मैच 6 दिसंबर को सिडनी क्रिकेट स्टेडियम से लाइव दिखाया जाएगा। और इस मैच के टाइमिंग के बारे में बात करें तो यह मैच भी दोपहर 1:40 से स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद तीसरे टी20 मैच के बारे में बात करें तो तीसरा टी20 मैच 8 दिसंबर को स्टार्ट होगा और यह मैच भी सिडनी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। इस मैच के टाइमिंग के बारे में बात करें तो यह मैच भी दोपहर 1:40 से स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यही था टीम इंडिया का पूरा स्क्वाड और इसके साथ ही टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल। तो फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि इंडिया में कौन से टीवी चैनल पर इस सीरीज का लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाया जाएगा और मोबाइल फोन में आप इसे लाइव कहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीवी चैनल्स के बारे में। तो सोनी 10/1 पर इंग्लिश कमेंट्री के साथ और इसके साथ ही सोनी 10/3 पर हिंदी कमेंट्री के साथ टी20 सीरीज के सभी मैचों का लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। वहीं मोबाइल फोन्स के बारे में बात करें तो जियो यूजर्स फ्री में इसका लाइव ब्रॉडकास्ट जियो टीवी पर देख पाएंगे। वहीं सोनी लिव एप्लीकेशन पर इस सीरीज के सभी मैचों का लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑल ओवर यही था इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के ठीक नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में उस बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले और साथ ही साथ क्रिकेट प्रेडिक्शंस के लिए टोनी भाई के साथ कॉन्टैक्ट करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।